उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। उज्जैन स्मार्ट सिटी योजना के तहत मंदिर के विकास और विस्तार का काम तेजी से शुरू हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बीते 2 वर्ष से लगातार चल रहे 800 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य अब धीरे धीरे धरातल पर दिखने लगे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनने वाले महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कहानी मूर्ति रूप में तैयार की जा रही है, जिसमे उनके नंदीगढ़, भैरव, गणेश भगवान, पार्वती माता सहित कई सारे और भगवानों की 200 मूर्तियां और 108 पिलर खड़े किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में परियोजना के पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल व अन्य क्षेत्र का निर्माण होगा। वहीं दूसरे चरण में महारजवाड़ा, रुद्रसागर जीरोद्धार, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग, पर्यटन सूचना केंद्र, हरी फाटक ब्रिज का चौड़ीकरण, रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार, बेगम बाग मार्ग का विकास, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग और महाकाल पहुंच मार्ग का विकास किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर स्मार्ट पार्किंग, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, सनातन हिंदू धर्म व वैदिक थीम पर पब्लिक प्लाजा तैयार किया जा रहा है। कारीगरों के द्वारा शिव तांडव, सप्तऋषि सहित अनेक प्रकार की प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके अलावा करीब 5 से 10 फीट की प्रतिमा संत ऋषि मुनि की भी बनाई जा रही है और वास्तुकलात्मक तत्वों के प्रयोग द्वारा गलियों के सौंदर्यीकरण के साथ रामघाट पर सिंहस्थ थीम पर आधारित डायनामिक लाइट शो किया जाएगा। आने वाले दिनों में महाकाल मंदिर में कॉरिडोर को इस तरह बनाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का गुणगान देखने को मिलेगा। यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालु मंदिर के आसपास की सुंदरता को भी निहार सकेंगे, जहां हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं और कॉरिडोर से मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में पैदल व ई रिक्शा मार्ग बनाया जा रहा है। इस मार्ग पर म्यूरल वॉल, छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे, जहां 3-3 मीटर पैदल व 6 मीटर चौड़ा ई रिक्शा लेन होगा। यहां से श्रद्धालु विजिटर फैसिलिटी सेंटर से होते हुए नंदी हॉल तक पहुंच सकेंगे। उज्जैन से माय भारत के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट।